क्या जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रनों के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे? वेल, एक जमाना था जब सारा कंपैरिजन स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, केन विलियमसन के नाम पर हुआ करता था कि क्या ये तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरह से जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में राइज किया है, उसके बाद यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर के टेस्ट रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन की अगर माने तो हां, ऐसा हो सकता है। माइकल वॉन ये कहते हैं कि अगर जो रूट इस तरह से खेलते रहे तो तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। माइकल वॉन कहते हैं कि 33 साल के रूट हैं, फिटनेस जबरदस्त है, बल्लेबाजी जो कर रहे हैं वो अद्भुत है, 32 शतक मार चुके हैं और टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 11,940 रन है, जो तेंदुलकर के 15,921 रनों से सिर्फ 3,981 रन दूर है, यानी ऑलमोस्ट 4,000 रन अगर जो रूट और बनाते हैं तो फिर वो दी ग्रेट, या कहें कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से आगे बढ़ जाएंगे। अब सवाल, इज इट रियली पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? कैसे, हम आपको बताते हैं। 33 साल के जब तेंदुलकर हुए थे, उस वक्त जो उनके इंटरनेशनल रन थे टेस्ट क्रिकेट में वो थे 10,469। मोस्ट टेस्ट रन के मामले में तेंदुलकर से आगे जो रूट निकल गए, 11,416 रन, तेंदुलकर के 10,469 रन थे। हालांकि तेंदुलकर ने आखिर में काफी समय तक खेला, जिसका उन्हें फायदा मिला, काफी लेट खेला उन्होंने अपना करियर, और ही वाज टू गुड, लेटर ऑन भी वो काफी अच्छे थे। हालांकि 33 में एलिस्टर कुक इन दोनों से आगे थे, लेकिन एलिस्टर कुक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए तेंदुलकर का, वो 11,700 कुछ रन थे। फिलहाल जो रूट जो है वो काफी चीजें एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, नए नए शॉट निकाल रहे हैं, 4,000 कुछ रन उनके बाकी हैं तेंदुलकर से। और जो रूट के बारे में कहा जा रहा है कि अगर यहां से वो 47 टेस्ट मैच और खेल लेते हैं, 47 टेस्ट मैच, और हर मैच में वो तकरीबन 80-85 रन बनाते हैं, तो वो तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। जिस तरह जो रूट खेल रहे हैं, 84 रन पर टेस्ट, उस हिसाब से 47 टेस्ट मैच अगर वो और खेलते हैं तो फिर वो आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। ये कहानी उनकी निकल कर आ रही है और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, बहुत बड़ा। सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ना या सोचना भी अपने आप में एक महानता की निशानी है। फाफ फोर में धीरे धीरे रूट अब सबसे बेहतर होते जा रहे हैं और इसीलिए ये सवाल उठता जा रहा है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो रूट बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं। एक ज़माने में फाफ फोर में वो चौथे स्थान पर थे और अब धीरे 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 वो बेहतर हो रहे हैं। जो रूट ने अब तक 142 टेस्ट मैच खेले हैं, उनके पास तकरीबन 4-5 साल क्रिकेटिंग करियर बचा हुआ है। अब अगर इन 4-5 सालों में वो टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करते हैं, अगर वो बेहतर होते आते हैं तो फिर कमाल हो जाएगा। अगर आप जो रूट की बात करें तो जो रूट ने कोविड-19 के बाद से 46 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 4,000 से ज़्यादा रन बनाए, जिस एवरेज के साथ वो आखिरी के 4 सालों में रन बना रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखे जाए तो 40-45 टेस्ट मैचेस में वो तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड। हालांकि आज वो 33 के हैं, क्या वो 35-36 के बाद भी इसी रफ्तार से खेलेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंग्लैंड में कई बार मौके इतने नहीं मिलते। आपने देखा जिमी एंडरसन को रिटायर करवा दिया गया, जबकि जिमी एंडरसन कई और रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। लेकिन जो रूट के सामने सवाल है कि अगर बढ़ती हुई उम्र के साथ फॉर्म फिटनेस बरकरार रही तो फिर वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अब अगर तेंदुलकर की आप बात करें तो तेंदुलकर ने अपने आखिरी के 4,000 रन जो थे वो 49 टेस्ट मैचेस में बनाए थे। जो रूट जिस तरह से खेल रहे हैं उसमें 40 टेस्ट मैचेस में वो कर सकते हैं, अभी जो उनका पीक चल रहा है। पॉन्टिंग ने अपने आखिरी के 4,000 रन 57 टेस्ट मैच खेल लिए थे। तो यहां पर बड़ा मैटर करेगा कि क्या जो रूट बेहतर होते हैं। फिलहाल 2027 तक इंग्लैंड को 30 टेस्ट मैच खेलने, तो 2027 तक तो तेंदुलकर का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। अगर जो रूट को ये रिकॉर्ड तोड़ना होगा तो शायद और खेलना होगा, या 2027 तक में और ज्यादा कमाल करके खेलना होगा। अगर जो रूट और कमाल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो तेंदुलकर के ग्रेट रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। लेकिन 142 मैचेस के बाद वो तेंदुलकर के बराबर रहे हैं। सचिन का औसत बेहतर रहा है लेकिन वो ऑलमोस्ट बराबर है।
हम आपको बता दें कि सचिन ने 142 मैच खेलने के बाद 229 पारियों में 55 के एवरेज से 11,289 रन बनाए थे। जो रूट का एवरेज 50 का है और 11,940 रन, लेकिन बैटिंग ज़्यादा उन्होंने की है। जो रूट ने 651 ज़्यादा बनाए हैं, तेंदुलकर ने पारियां कम खेली थी। जो रूट ने 260 पारी खेली है, तेंदुलकर ने 229 पारी खेली थी। बट अगेन क्वेश्चन रिमेन सेम कि क्या जो रूट यहां से आगे रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। शतकों के मामले में भी तेंदुलकर आगे थे, 142 टेस्ट मैचेस में तेंदुलकर के 37 सेंचुरीज थी, जो रूट की 32 है। बट जो रूट का जो राइज हुआ है लास्ट 3-4 ईयर्स में वो अनमैचेबल है। टेस्ट के ऑल टाइम बैट्समैन में तेंदुलकर 15,921 रन, रिकी पॉन्टिंग 13,378 रन, जैक कैलिस 13,289, राहुल द्रविड़ 13,288, एलेस्टर कुक 12,472, संकारा 12,400 और ब्रायन लारा 11,953 का रिकॉर्ड है। यानी लारा का रिकॉर्ड तो जल्दी तोड़ देंगे वो, संकारा का रिकॉर्ड टूट जाएगा, कुक का रिकॉर्ड टूट जाएगा, द्रविड़ कैलिस पॉन्टिंग के भी आसपास वो पहुंच जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। बट क्वेश्चन रिमेन सेम, क्या वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये देखने वाली बात है।